Arvind Kejriwal is outlining his economic policy. It's remained a bit of an enigma for the past few months. Listen in. आप लोग देश के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, इसको हमें एनकरेज करना है, तो मोटे मोटे तौर पे दो चीजें करने की जरूरत है। एक तो जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स हैं और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं, इसको सारे को रिविजिट करके जो जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं बिजनेस करने में, उन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना पड़ेगा और उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और दूसरा ये, हमें प्रोएक्टिव बेसिस पे ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी कि बिजनेस को एनकरेज किया जा सके, ना कि डिस्करेज किया जा सके। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मेरा डेढ़ महीने व्हेन आई वाज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, माय एक्सपीरियंस विद ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स इन दिल्ली, ट्रेडर्स, दिल्ली के ट्रेडर्स जो हैं वैट को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कर रखा है उन्होंने, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम किया हुआ है। सो आई हैड नंबर ऑफ ट्रेडर्स डेलीगेशंस हु केम एंड विजिटेड मी। तो ट्रेडर्स आते थे, अपने सुझाव लेके आते थे कि सर ये वाला फॉर्म गलत है, ये इसको चेंज किया जा सकता है, रादर देन टेलिंग देम कि यस वी विल कंसिडर इट। हम आई यूज टू इमीडिएटली कॉल माई वैट कमिश्नर एंड हिज टीम, एंड आई फ्रेंकली, मेरे को तो सब कुछ आता नहीं, मुझे तो वैट नहीं आता, मुझे तो इनकम टैक्स आता था। तो आई यूज टू कॉल देयर टीम एंड आई यूज टू आस्क देम कि भाई ये कह रहे हैं, अब आप बताओ ये क्यों नहीं हो सकता, एंड दे वुड डिस्कस इट अमंग्स देमसेल्व्स एंड वी वुड टेक द डिसीजन ऑन द स्पॉट। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट ऑन द स्पॉट वी हैड वी अपॉइंटेड अ वेरी गुड पर्सन एज वैट कमिश्नर, वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन एज वैट कमिश्नर। ऑन द स्पॉट हम लोगों ने कई सारे फॉर्म्स दिल्ली में एबॉलिश कर दिए। वैट कमिश्नर खुद कहते हैं हाँ सर ये AR फॉर्म, एक AR1 फॉर्म होता है, कि AR1 फॉर्म की जरूरत ही नहीं है, हम लोगों ने ऐसे ही रख रखा है अननेसेसरी, वी एबॉलिश दैट फॉर्म। फिर एक कंपोजिट स्कीम थी कोई जिसकी 50 लाख लिमिट थी, उसने कहा 1 करोड़ टर्नओवर कर, 1 करोड़ कर देते हैं। 1 करोड़ करते ही दिल्ली के 70% ट्रेडर्स को रिलीफ मिल गया। उसी तरह से इंडस्ट्री वाले, एंड देन आई कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल द ट्रेडर्स इन दिल्ली एंड आई वॉज सो हैप्पी। उन ट्रेडर्स ने कहा कि सर हम आपके काम करने के तरीके से इतने खुश हैं। मैंने कहा भाई मेरा 4000 करोड़ का इस बार डेफिसिट है दिल्ली का। उन्होंने कहा सर हम जाएंगे, हम अपने अपने बाजार की जिम्मेदारी ले रहे हैं, एक एक दुकान पे जाएंगे और हम जाके आपके लिए टैक्स इकट्ठा करके लाएंगे, आपको अपने इंस्पेक्टर भेजने की जरूरत नहीं है। अगर हम जनता को इन्वॉल्व करें, अगर हम सिग्नल, एक पॉजिटिव सिग्नल भेजें, तो मुझे लगता है कि सारा देश मिलकर प्रगति कर सकता है। लेकिन अगर हम ये इंस्पेक्टर राज और ये लाइसेंस राज जब तक खत्म नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता ये केवल एक्सटॉर्शनिस्ट सिस्टम है। उसी तरह से मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट की ट्रेनिंग की। देर आर 29 इंडस्ट्रियल एरियाज इन दिल्ली। उन सबके मैंने रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया। आई वॉज शॉक टू हियर एक इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा है जो 15 साल से दैट इंडस्ट्रियल एरिया हैज बीन इन एग्जिस्टेंस, वहां पे अभी तक एक भी इंडस्ट्री नहीं लगी है, बिकॉज नो इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन क्रिएटेड। और जानबूझ के ऐसी पूरी कंडीशन की हुई है, नॉट अ सिंगल इंडस्ट्रियलिस्ट इज विलिंग टू सेटअप हिज इंडस्ट्री देयर। एक और दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा है जहां पे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट छोड़ के जा रहे हैं। तो सरकार का काम क्या है? सरकार ने जानबूझ के ऐसी व्यवस्था की हुई है कि दे इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री लगाने की बजाय इंडस्ट्री छोड़ के जा रहे हैं। तो उन लोगों के साथ बैठ के हम लोगों ने इलैबोरेट प्लान बनाया कि किस तरह से आप किसी दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, सर वहां पे ना तो सड़कें हैं, ना बिजली है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है वहां पे। वो लोग इंडस्ट्री चला कैसे रहे हैं समझ में नहीं आता है। तो हमने उनके साथ बैठ के प्लान बनाया कि किस तरह से सबसे पहले वी हैव टू टैकल द इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव टू, वो कहते हैं सर अगर आप मेट्रो लाइन को वहां तक खींच देंगे तो हम लोगों का धंधा इंप्रूव। सो वी मेड एन इलैबोरेट प्लान विद देम, लेकिन उसके पहले सरकार गिर गई। आई होप सरकार दोबारा आएगी तो वी विल गेट अ चांस टू सॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम्स। आई वॉन्ट टू मेक अ कैटेगोरिकल स्टेटमेंट हियर दैट द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, द बिजनेस शुड बी लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर। सरकार को धंधा नहीं करना चाहिए, सरकार को गवर्नेंस करनी चाहिए, बिजनेस सारा प्राइवेट सेक्टर को छोड़ देना चाहिए। और सरकार का जो आज इंटरफेरेंस है, मतलब एक छोटी सी दुकान के ऊपर भी 31 इंस्पेक्टर आते हैं, दैट हैज टू स्टॉप। ये इंस्पेक्टर्स को तो मैंने उन्हीं लोगों को कहा है अभी जब मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ट्रेनिंग की थी, मैंने कहा जी आप ही बैठ के मेरे को सजेस्ट करो कि कौन कौन से फॉर्म रिडंडेंट हैं, वी कैन डू अवे विद देम, कौन कौन से प्रोसीजर्स रिडंडेंट हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स रीडिफाइन किए जा सकते हैं। सो द गवर्नमेंट शुड हैव वेरी लिटिल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड आम आदमी पार्टी इज कंप्लीटली अगेंस्ट लाइसेंस राज एंड इंस्पेक्टर राज एंड वी वॉन्ट टू रिविजिट द एंटायर सिस्टम।
वी आर नॉट अगेंस्ट कैपिटलिज्म बट वी आर अगेंस्ट क्रोनी कैपिटलिज्म। हमें दुख होता है जब 1,500 करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीद के एक हफ्ते के अंदर 6,000 करोड़ का बेच दिया जाता है। इसको बिजनेस नहीं कहते, इसको तो डेकोइटी कहते हैं, उसको तो बंद करना है। सो देर इज अ वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट इन आर कंट्री हु आर नॉट रियली इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन, दे आर एक्चुअली लूटिंग द कंट्री। हम उनके खिलाफ हैं, हम आप सब लोगों के खिलाफ नहीं है। ये गलत धारणा बनाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी इज अगेंस्ट बिजनेस। वी आर नॉट अगेंस्ट बिजनेस, वी कांट बी अगेंस्ट बिजनेस। अगर बिजनेस बंद हो गया तो इस देश के अंदर रोजगार कहां से होगा? अब सुबह सुबह मेरे घर आओ, लंबी लाइन लगी होती है मेरे घर के बाहर नौकरी मांगने वालों की कि जी मेरे को नौकरी दिला दो, मेरे को सरकारी नौकरी। मैं कहां से नौकरी दिला दो, मेरे पास नौकरी नहीं है, नौकरी तो आप लोग दोगे। तो मैं उनको बार बार कहता हूं भाई थोड़ा सा टाइम दो, हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को इनकरेज करें, ट्रेड को इनकरेज करें, ट्रेडर्स बढ़ेंगे, इंडस्ट्री बढ़ेगी दिल्ली के अंदर, तो अपने आप सब लोगों को नौकरियां मिलेंगी। सो दूसरी, अभी कुछ ट्रांसपोर्टर्स आए मेरे पास, उन्होंने बताया जी बंबई से हमारा ट्रक चलता है दिल्ली तक आता है, उसके अंदर 23% कॉस्ट रिश्वतखोरी की होती है। सो आई थिंक द करप्शन डिसएडवांटेज दैट यू फेस इन टर्म इन इंटरनेशनल मार्केट, अगर भ्रष्टाचार दूर होगा तो आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस विल कम डाउन वेरी ट्रेमेंडसली। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। हमारा एक वॉलंटियर बता रहा था, वो एक ढाबे पे चाय पीने जाता है। उसने कहा जी मैं अभी पिछले हफ्ते जब चाय पीने गया वहाँ पे, वो 8 रुपए की चाय देता था, पहले उसने 6 रुपए की चाय कर दी। तो उसने पूछा भाई 6 रुपए की कैसे कर दी? कहता जी पिछले हमेशा हर महीने मुझे पुलिस को इतना पैसा देना पड़ता था, पिछले महीने पुलिस ने पैसा लेना बंद कर दिया तो मैंने अपनी चाय की कॉस्ट कम कर दी। मुझे लगता है अगर रिश्वतखोरी बंद हो जाए तो आप सब लोग अपनी अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, एंड आई थिंक आर प्रोडक्ट्स विल बिकम मच बेटर इन इंटरनेशनल मार्केट। सर मुझे लगता है एक तो वी नीड टू हैव अ स्टेबल टैक्स रिजीम, सिंपल लॉज, वी नीड टू रिड्यूस लिटिगेशंस। हमारा जस्टिस सिस्टम इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जुडिशियल सिस्टम इट्स नॉट जस्ट कॉम्प्लिकेटेड, जानबूझ के उसको इनएफिशिएंट रखा हुआ है। इट डजंट नीड रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड कि अगर हम और जजेस अपॉइंट कर दें और कोर्ट्स अगर खोल दें और जो 20-20 साल तक केसेस लटक रहे हैं, अगर वो 6 महीने में 1 साल में अगर केसेस खत्म होने लग जाएं, आई थिंक दैट वुड मच बेटर इंप्रूव एफिशिएंसी। एंड आई थिंक गवर्नमेंट जो अननेसेसरी लिटिगेशन करती है कई सारी, अभी हम लोग रिविजिट कर रहे थे, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें हमने कहा भाई दूसरी पार्टी ठीक ही कह रही है उसको मान लो, मेनी केसेस वी हैव विदड्रॉन फ्रॉम द कोर्ट। तो अगर हम ये अननेसेसरी लिटिगेशन खत्म कर दें, सो इन द एंड आई वुड ओनली से दैट आई फील यही हम लोग जब बाहर जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, इंडियंस डू सो वेल, पर अपने देश के अंदर अगर एक छोटा सा धंधा शुरू करना हो तो सरकार मतलब नाक में दम कर देती है, दे डू एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक योर लाइफ मिजरेबल। सो आई थिंक वी आर फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हु आर विक्टिम्स ऑफ थर्ड क्लास गवर्नेंस। इफ वी इंप्रूव गवर्नेंस आई थिंक द बिजनेस वुड ऑल्सो इंप्रूव, एंड आई एम वेरी श्योर दैट इंडिया कैन एक्चुअली बिकम अ सुपर पावर, बिकॉज जो दिमाग इंडियंस का है मुझे लगता है वो दिमाग आप लोगों को दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारी आम आदमी पार्टी अभी 1 साल पहले ही बनी है, हमारे में 100 कमियां हैं, हमारी बहुत सारी पॉलिसीज गड़बड़ हो सकती हैं, हमारे बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, लेकिन हमारी नीयत साफ है जी, हम देश को, इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना चाहते हैं। वी वॉन्ट दिस कंट्री टू बिकम, हम एक नया भारत बनाना चाहते हैं। और आज यहाँ पे मेरा आने का मकसद है आप सब लोगों को इनवाइट करना उस नए भारत के निर्माण के लिए। मेरा आज यहाँ आने का मकसद है कि आप लोग हमें क्रिटिसाइज करो, लेकिन ये सर्कल है, आप बाहर बैठ के हमें गालियां देते रहोगे कोई फायदा नहीं है। प्लीज ज्वाइन अस, प्लीज कम इनसाइड द सर्कल, टेल अस व्हाट टू डू। हमें ये बिल्कुल गुमान नहीं है कि सारी दुनिया की अकल हमारे अंदर है, हमें बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन हमें ये पूरा विश्वास है कि अगर हम सारे लोग मिल जाएं तो हम इस देश को बदल सकते हैं। सो माई पर्पज इज टू इन्वाइट यू ऑल टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन, जो एक उम्मीद की किरण जागी है। एक और चीज़, ये लोग कहते हैं हमें गवर्नेंस नहीं आती, हमें गवर्नेंस नहीं आती, हमें गवर्नेंस नहीं आती है, कि मीडिया में चल रहा है आजकल कि हमें गवर्नेंस नहीं आती। सर पिछले 5 साल से दिल्ली के अंदर, दिल्ली के 2-3 उदाहरण दूंगा, हमने काम तो बहुत किए हैं 1.5 महीने के अंदर, उन कामों की लिस्ट मैं नहीं बताऊंगा, जितने काम हमने किए हैं मैं चैलेंज कर रहा हूं, आज़ादी के बाद किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने 1.5 महीने के अंदर इतने काम किए हों तो मुझे बता देना, पर फिर भी 2-4 उदाहरण आपको देता हूं।
पांच साल से कहा जा रहा था कि बिजली कंपनियों का ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट तो होना ही चाहिए. वाई आर वी शाइंग अवे? द डिमांड फॉर एन ऑडिट डज नॉट मीन दैट वी आर रेजिंग सस्पिशन, बट ऑडिट शुड टेक प्लेस, दैट इज समथिंग वेरी बेसिक. तो पांच साल से कह रहे थे ऑडिट नहीं हो सकता, ऑडिट नहीं हो सकता, ऑडिट नहीं हो सकता. कांग्रेस भी कह रही थी, बीजेपी भी कह रही थी. हम लोगों ने पांच दिन में ऑडिट ऑर्डर करके दिखा दिया और कहते हैं गवर्नेंस नहीं आती. अभी मैं नहीं कह रहा, इंडिपेंडेंट सर्वे हो रहे हैं दिल्ली के अंदर जो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पिछले डेढ़ महीने के अंदर कटिंग एज पे द करप्शन हैज कम डाउन वेरी सब्सटेंशियली. 65 साल में जो करप्शन ये लोग कम नहीं कर पाए, डेढ़ महीने के अंदर अगर हमने 20% 30% करप्शन भी कम करके दिखा दी, कोई छोटी बात नहीं होती. और कहते हैं हमें गवर्नेंस नहीं आती. अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक स्टोरी आई थी चार दिन पहले, वो कह रहे थे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सारे दलाल भाग गए हैं और कहते हैं हमें गवर्नेंस नहीं आती. अभी बताते हैं कि सरकारी अस्पतालों, उसी स्टोरी के अंदर था, सरकारी अस्पतालों में पहले दवाइयां नहीं मिलती थी, अब वही टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी में था कि अब सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलने लग गई हैं पिछले डेढ़ महीने में, और कहते हैं हमें गवर्नेंस नहीं आती. मुझे तो समझ नहीं आता ये गवर्नेंस होती क्या है. थैंक यू सो मच. Thank you.